फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली की यात्रा पर लेकर चल रही हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये पूरा रूट है। बात यदि गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली, जहाँ पर उनका आश्रम है, उसकी बात की जाए तो यह फूलपुर आजमगढ़ और गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप जैसा कि रूट देख रहे हैं, यह जंगलों से गुजरता हुआ, अनेक गांवों से गुजरता हुआ यह रास्ता चला जाता है और अंत में कुटोली नामक गांव एक स्थान है, वहां पर इनका आश्रम है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि कभी गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने इस स्थान को अपनी तपोस्थली बनाया और यहाँ पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना की, जो कि गुरु द्रोणा पातालेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। फ्रेंड्स, बात यदि गुरु द्रोणाचार्य की बात की जाए तो यह ऋषि भरद्वाज तथा घृताची नामक अप्सरा के पुत्र तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। कुरु प्रदेश में पांडु के पांचों पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के भी गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम उल्लेखनीय है। उसने द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा मांगे जाने पर अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर दे दिया। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग रूट देख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है, कितना अनुपम दृश्य है। और कहीं ना कहीं उस आश्रम में पहुंचने के बाद दिव्यता की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है सचमुच में हम उस युग में आ गए थे जब द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की और अपने इस आश्रम की स्थापना की और महादेव के इस शिवलिंग की स्थापना की। मित्रों, बहुत ही दिव्य स्थान है और समय मिले तो आपको इस दिव्य स्थान पर, इस तपोस्थली पर जरूर आना चाहिए। वर्तमान समय की मैं बात करूं तो इस समय इस आश्रम की देखभाल वहां के मुख्य पंडित श्री राजीव मिश्रा जी की देखरेख में हो रहा है। और कहीं ना कहीं मित्रों, जैसा कि आप लोग रास्ता देख रहे हैं, कितना अनुपम दृश्य है। इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह गुरु द्रोणाचार्य के तपोबल से यह इस शिवलिंग का अवतरण हुआ है। मित्रों, ये देखिए, जल्द ही ये आश्रम आने वाला है आपके समक्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आश्रम के से मात्र कुछ ही दूरी पर दुर्वासा धाम की तपोस्थली भी स्थित है। तो इस तरह से आप इस स्थान पर जाने के बाद पास ही में दुर्वासा धाम की तपोस्थली का भी दर्शन कर सकते हैं। तो मित्रों, ये आश्रम अब आपके सामने है। आप इस आश्रम का अनुपम, अद्वितीय इस दृश्य को आप देख सकते हैं। सावन के महीने में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और पूरे सावन का रुद्राभिषेक होता है। और आइए चलते हैं, हम सभी लोग इस मंदिर के मुख्य पंडित जी से मिलते हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितने कार्यक्रम आयोजित होते हैं, साथ ही यहाँ पर काल सभी लोग पूजन भी होते हैं। आज वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से, किन कार्यों की वजह से काल सभी लोग का पूजन होता है। इस समय हम लोग
हैं द्रोणाचार्य के मंदिर पर, और ये हैं हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य आचार्य जी, पंडित जी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य का इतिहास क्या है। तो पंडित जी, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि द्रोणाचार्य का इतिहास क्या है और यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, कैसे पता चला कि और लोग कब से यहाँ आना शुरू किए, और कैसे लोगों को लगा कि यह वाकई में द्रोणाचार्य की भवोस्थली है। और साथ ही साथ जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि पास ही में दुर्वासा धाम की भवोस्थली है, तो मैं चाहूँगी कृपया इस पवित्र धाम के बारे में ऋषि महर्षि द्रोणाचार्य जी यहाँ आए और अपना जंगल में झाड़ में निवास बना के जो है तपस्या किए। इसके बाद इस पवित्र पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों ने आकर जो है तपस्या किया। लोग जगह जगह अपना आसन बना के रहने लगे और अपने तप से, अपने पूरे क्षेत्र से जो है यहाँ पर जो है अपने कार्य की सिद्धि किए। जिस स्थान पर आज हम आप सभी लोग आकर जो है भगवान का कीर्तन गुणगान कर रहे हैं, और तभी से यह तपोभूमि ऋषि भूमि के नाम से जाना जा रहा है। हम लोग जो है उन्हीं के बताए हुए मार्ग का अनुसरण और पालन करते हुए यहाँ भगवान की निरंतर सेवा में अपने जीवन को समर्पण किया है। हमारे सारे संत महात्मा ऋषि मुनि यहाँ पर हमेशा भगवान का जो है गुणगान कर रहे हैं, और हमारी इस पवित्र पावन भूमि पर हमारे श्रद्धालु लोग हमेशा इसी तरह से जैसे त्रेता में आते थे, उसी तरह से आज इस कलयुग में निरंतर जो है यह तपोभूमि ऋषि मुनियों संत महात्माओं से भरी पड़ी है। लोग अपने अपने मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी जो है यहाँ पर आए और लोग बताते हैं, मानस में लिखा गया है, प्रथम वासी तमसा करिवासु दूसर सुर सर तेर निवासु। जैसा हम लोग सुनते हैं कि मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर आया और उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी जो है निवासन किया, जलाभिषेक किया, ऐसा लोग बताते हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा सुना जाता है। उन्हीं के आधार पर हम लोग भी अपना जो है भगवान को एक ईश्वर मानकर जो है हम लोग भी ऋषि मुनि संत महात्माओं की संज्ञा के रूप में अपने जीवन को प्रसाद बनाना चाहते हैं, और भगवान की शरण में हम लोग निरंतर लगातार रहें।
आश्रम के पास माँ तमसा की सुंदर धारा कल कल कर करके बहती है, जो इस पावन स्थान को और भी दिव्यता से भर देती है। इस आश्रम में अनेक प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, जैसे रुद्राभिषेक, जन्म कुंडली से संबंधित। यहाँ के जो मुख्य पंडित श्री राजीव मिश्रा जी हैं, वह जन्म कुंडली भी बनाते हैं, मूल पूजन, काल सर्प दोष का पूजन भी होता है यहाँ पर। इस ऋषि महर्षि द्रोणाचार्य भूमि आश्रम कुटौली आजमगढ़ मंडलांतर्गत तपोभूम ऋषि महर्षि दुर्वासा धाम, हमारे यहाँ जन्मांग चक्र, लग्न पत्रिका, जन्म पत्रिका, काल सर्पदोष, महाविद्या, शिवार्चन एवं विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आते हैं और कहीं ना कहीं पंडित श्री राजीव मिश्रा जी के द्वारा कराए गए कार्यक्रमों से वह प्रसन्नचित होते हैं। नारायण बलि, प्रपिंडी श्राद्ध, पारवण श्राद्ध, गया श्राद्ध, सारे श्राद्धों का जो है निवारण यहाँ होता है। ब्राह्मणों द्वारा आप लोग जो है आए, सिर्फ जो है घर से अपना चावल लेके आइए, सारी सामान यहाँ को आप यहाँ उपलब्ध रहती है। आप लोग श्रद्धा भक्ति के साथ जो है अपना जो है पूजन पाठ शिवार्चन जो भी समस्त बाधाएं हैं उसके निवारण के लिए आप लोग आइए। जो भी हमारे श्रद्धालु भक्त रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वह लोग जो है चावल सिर्फ लेके आया करें थोड़ा सा अक्षत के रूप में, और भगवान का जलाभिषेक करें, शिवार्चन कराएं, गंगा जल से, कुशोदक से, दुग्ध जल से, मधु से, इक्षु रस से, सारे चीज़ों से जो है उनका रुद्राभिषेक यहाँ पर किया जाता है। अब आप लोग जो है आवें, आपका स्वागत। श्रद्धालु भक्त अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से, पानी में डूब कर या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके निवारण के लिए यहाँ पर नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, पारवण श्राद्ध सब जो है कराया जाता है, उसके लिए भी आप लोग संपर्क किया करिए।